हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रिक्शन। के आज के इस लेक्चर में हम कुछ और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक ट्रक है। क्या है ये ट्रक? इस ट्रक के अंदर एक इंक्लाइंड है, रफ इंक्लाइंड इनसाइड ट्रक। उसकी इंक्लिनेशन 53 डिग्री गिवन है और ये ट्रक इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। ये ट्रक इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। इस ट्रक के अंदर एक इंसान खड़ा हुआ है आराम से, जो कि ट्रक का ऑब्जर्वर है। उसने क्या किया, 2 kg ब्लॉक को इस रफ इंक्लाइंड के ऊपर रख दिया और कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड 0.4 गिवन है। तो इस 2 kg ब्लॉक का एक्सलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। और मान लो ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर ये है और ये कुछ ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन है। तो इस 2 kg ब्लॉक का एक्सलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म। तो एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म। और इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 0.8 आई कैप माइनस 5.6 जे कैप। 0.8 आई कैप माइनस 5.6 जे कैप। बी ऑप्शन में क्या गिवन है, 0.8 आई कैप प्लस 5.6 जे कैप। सी ऑप्शन में क्या गिवन है, 5.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। डी ऑप्शन में क्या गिवन है, 5.6 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप। इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना है और ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। मैं क्या करूंगा, इस 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम और ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, तो इसका मतलब ट्रक क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इस 2 kg ब्लॉक का FBD बनाओ विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये एंगल कितना गिवन है, 53 डिग्री। तो एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, उसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 cos 53 मतलब 12 न्यूटन और 20 sin 53 मतलब 16 न्यूटन। ये तो mg के 2 कंपोनेंट आ गए। और एक आएगा ऐसे सुडो फोर्स, कितना, 2, 5, 10 न्यूटन। सुडो फोर्स लगाना अनिवार्य है जब हम किसी ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन ले फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इस सुडो फोर्स को भी 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। ये एंगल 53 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 53। तो 10 cos 53 और 10 sin 53, 10 cos 53 कितना आ गया, 6 न्यूटन, 10 sin 53 8 न्यूटन। और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, वो कितना हो जाएगा, 12 + 8 = 20 न्यूटन। इस 6 का और इस 16 का रिजल्टेंट डाउनवर्ड आएगा, 16 में से 6 गए 10, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 10 न्यूटन। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो। 0.4 × 20 ये कितना आ गया, 8 न्यूटन। अब देखो ये 10 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स।
इस 2 kg ब्लॉक के लिए जो कि डाउन इंक्लाइंड आया है, क्या ये 8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब 2 केजी ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब 2 केजी ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड ए डैश एक्सलरेशन से एक्सलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, ध्यान रहे। अब इस ए डैश की वैल्यू फाइंड आउट करो यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेट फोर्स कितना होगा डाउन द इंक्लाइंड, 10 में से 8 गए 2 डिवाइडेड बाय मास 2, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखो इन वेक्टर फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है ना, और डाउन द इंक्लाइंड आया है, और ये एंगल कितना ये होना है 53 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो इसको भी 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 1 कोस 53 कितना हो गया 0.6, 1 साइन 53 0.8। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इन वेक्टर फॉर्म ये कितना आ गया 0.6 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप। यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म कितना आएगा 5 आई कैप। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आएगा 82, और वो यहां से कितना आ जाएगा 5.6 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप। ये हमारा आंसर आ गया एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म कितना आया 5.6 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर आप इसको चाहो तो डायनेमिक्स की हेल्प से भी सेटिस्फाई करवा सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक डायनेमिक्स की हेल्प से भी इतना ही आएगा 5.6 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप। अब मैं इस ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और ग्राउंड फ्रेम कैसा होता है इनर्शियल। तो इस 2 केजी ब्लॉक का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, वास्तविकता में कौन से फोर्स आएंगे इस 2 केजी ब्लॉक पे, एक तो सबसे पहले एमजी फोर्स आएगा 20 न्यूटन, ठीक है, और एक ये N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा 20 न्यूटन, और ये एंगल कितना गिवन है 53 डिग्री। तो ये एंगल 53 है तो ये एंगल भी 53 हो जाएगा, तो ये 37 तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये जो N1 नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन आया है इसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 साइन 53 और 20 कोस 53, 20 कोस 53 कितना आएगा 12 और 20 साइन 53 16, और एक देखो 2 केजी ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। वास्तविकता में ये 3 ही तो फोर्स आएंगे इस 2 केजी ब्लॉक पे, अगर ग्राउंड फ्रेम से बात करूं mg 20 न्यूटन, N1 नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन, और एक काइनेटिक फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड वो 8 न्यूटन। अब इस 8 न्यूटन को भी 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, ये एंगल 53 है तो ये कितना हो गया 37, तो ये कितना हो जाएगा ये 53 तो ये 37 तो ये कितना हो गया 53 डिग्री। तो ये 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड आया है, इसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 8 कोस 53 कितना हो जाएगा 24/5, और 8 साइन 53 32/5, 24/5 कितना होता है 4.8 न्यूटन, और 32/5 6.4 न्यूटन।
तो अब देखो नेट फोर्स इस 2 kg ब्लॉक पे इन वेक्टर फॉर्म कितना आया फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, 16 - 4.8 i कैप, 16 में से 4.8 गए 11.2 i कैप, और देखो ये 12 है और ये 18.4 है, मतलब ये 12 ये 6.4, तो ऊपर की तरफ कितना आ गया इन दोनों के इक्विवेलेंट 18.4 और नीचे 20 है, तो इन तीनों फोर्सेस के इक्विवेलेंट नीचे की तरफ क्या 20 - 18.4 न्यूटन नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1.6 जे कैप, 12 + 6.4 18.4 और नीचे 20 वर्टिकल डाउनवर्ड में, तो 20 में से 18.4 गए 1.6 और नीचे की तरफ आया इसलिए -1.6 जे कैप, और 16 में से 4.8 गए 11.2, तो 11.2 आई कैप -1.6 जे कैप, ये इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स आ गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑन 2 kg ब्लॉक यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इनटू मैं एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो यहां से भी इतना ही आएगा 5.6 आई कैप -0.8 जे कैप, दे सकते हो ये और ये दोनों सेम है, तो इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म कितना आएगा 5.6 आई कैप -0.8 जे कैप, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 m/s² गिवन है, और क्या गिवन है सेकेंड न्यूमेरिकल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 m/s² गिवन है, और मान लो ये एक ट्रक है, जो कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, कितने एक्सेलरेशन से 20 m/s² एक्सेलरेशन से ये ट्रक एक्सेलरेटेड है, और इस ट्रक के अंदर 37 डिग्री का एक रफ इंक्लाइंड भी गिवन है, 37 डिग्री का रफ इंक्लाइंड और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है, यहां पे 3 होता तो यहां पे 4 और यहां पे 5। इस ट्रक के अंदर एक लड़का आराम से खड़ा है, उसने क्या किया 2 kg ब्लॉक को यहां पे रख दिया और दोनों तरफ रस्सी बांध दी, एक तो ये रस्सी और दूसरी ये रस्सी, दोनों दो रस्सियों से बांध दिया इस 2 kg ब्लॉक को इस ट्रक ऑब्जर्वर ने, और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड ये कितना गिवन है 0.4, तो इन दोनों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी है, टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करो। अब देखो मैं 2 kg ब्लॉक को की ऑब्जर्वेशन लूंगा फ्रॉम ट्रक फ्रेम, ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक फ्रॉम ट्रक फ्रेम, ठीक है, और ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है ना 20 m/s² एक्सेलरेशन से, तो इसका मतलब ट्रक फ्रेम क्या होगा नॉन इनर्शियल, और मैं थोड़ी देर के लिए ये मानूंगा ना तो ये रस्सी है ना ये रस्सी है, कोई रस्सी नहीं है, नो स्ट्रिंग यूज्ड, ना तो ये रस्सी है और ना ये रस्सी है, थोड़ी देर के लिए मानूंगा और फिर इस 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा फ्रॉम दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, ये एंगल कितना 37 डिग्री और ये 2 kg ब्लॉक, तो सबसे पहले तो एम जी फोर्स अप्लाई कर दो 20 न्यूटन, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो, 20 cos 37 कितना हो जाएगा 16 न्यूटन, 20 sin 37 12 न्यूटन, और एक सूडो फोर्स आएगा 2 * 20 4
40 न्यूटन सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, क्योंकि मैं इस ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, और ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है और मैं ना तो इस रस्सी को मान रहा ना इस रस्सी को थोड़ी देर के लिए, नो स्ट्रिंग। तो इस 40 न्यूटन सूडो फोर्स को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो, 40 कोस 37 और 40 साइन 37। 40 कोस 37 कितना हो जाएगा, 40 चौका 160 भाग 5 32 न्यूटन, और 40 साइन 37 24 न्यूटन। तो एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 केजी ब्लॉक, 24 प्लस 16 40 न्यूटन। तो ये 32 और ये 12, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या अप द इंक्लाइंड नहीं आएगा, कितना 32 में से 12 गए 20 न्यूटन। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो, 0.4 इंटू में 40, तो ये कितना आ गया 16 न्यूटन। अब देखो मैंने ना तो ये रस्सी माननी ना ये रस्सी माननी है, और 2 केजी ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं फ्रॉम ट्रक फ्रेम, इसलिए सूडो फोर्स लगाया। तो ये 20 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा ना, ठीक है, और ये 20 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स अप द इंक्लाइंड आया है जो कि 16 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर ये कोई भी रस्सी नहीं होती तो 2 केजी ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट कर जाता विद सम एक्सेलरेशन ए, और 2 केजी ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन आता 16 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर कोई भी रस्सी नहीं होती, और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर जाता 2 केजी ब्लॉक अप द इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर, 20 में से 16 गए 4 4 भाग में 2 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों रस्सी हैं, अगर रस्सी नहीं होती तो 2 केजी ब्लॉक अप द इंक्लाइंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर जाता विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये वाली जो रस्सी है ना, अब इसको अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करने से रोकेगी प्रेजेंट न्यूमेरिकल में आए, तो 2 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। इस रस्सी में टेंशन आएगी, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, तो ये रस्सी तो यहां पे महज छलावा होगी, और इस रस्सी में टेंशन आएगी। इसी रस्सी में टेंशन क्यों आई, क्योंकि अगर कोई भी रस्सी नहीं होती तो 2 केजी ब्लॉक अप द इंक्लाइंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर जाता विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर। लेकिन अब दोनों रस्सी है तो इसका मतलब इस रस्सी में तो कोई टेंशन आएगी नहीं, इस 2 केजी ब्लॉक को अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करने से कौन रोकेगी, ये रस्सी रोकेगी, इस रस्सी में टेंशन आएगी। तो अब प्रेजेंट न्यूमेरिकल में आते हैं कि दोनों रस्सी हैं तो ऑब्वियसली 2 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, और एक ऊपर रस्सी है ये और एक नीचे है रस्सी। तो 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि अगर कोई रस्सी नहीं होती 2 केजी ब्लॉक अप द इंक्लाइंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर जाता ना विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। लेकिन ये रस्सी इसको ऐसा नहीं करने देगी, तो यहां पे 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा कितना 16 न्यूटन, और 2 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 भी होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम। तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 4 न्यूटन, 16 प्लस 4 20 20 20, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा 2 केजी ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम इन प्रेजेंट न्यूमेरिकल जब दोनों रस्सी हैं, और इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, ये रस्सी तो छलावा होगी, मतलब ये तो ऐसे ही लगी हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है यहां पे लगाने का, बस ऐसे ही लगा दी। तो क्या फाइंड आउट करना था, दोनों रस्सियों में टेंशन, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं होगी, इस रस्सी में टेंशन 4 न्यूटन आएगी, 4 न्यूटन टेंशन, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, ये तो छलावा है, और 2 केजी ब्लॉक एट रेस्ट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर इस इंक्लाइंड पे। तो इसका मतलब सोचो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आना चाहिए, 20 आई कैप आना चाहिए,
क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ 2 के जी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर क्या है, जीरो या जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप। प्रेजेंट न्यूमेरिकल में 2 के जी ब्लॉक रेस्ट पे है ना विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, इस रस्सी में टेंशन 4 न्यूटन, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं होगी। 2 के जी ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 16 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। तो 2 के जी ब्लॉक एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको क्या लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 के जी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और वो कितना है वेक्टर फॉर्म में 20 आई कैप। तो यहां से देखो एक्सेलरेशन ऑफ 2 के जी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये कितना आ गया, 20 आई कैप ही तो आ गया। तो इसका मतलब इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि 2 के जी ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट कर रहा है, और ट्रक ऑब्जर्वर को ये 2 के जी ब्लॉक रेस्ट पे नजर आएगा इसी इंक्लाइंड पे। अब इसको सेटिस्फाई करवाना चाहो यूजिंग डायनेमिक्स, मतलब ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्वेशन लो में, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम या इनर्शियल, ग्राउंड फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होता है ना, तो 2 के जी ब्लॉक का एफबीडी बनाना फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। वास्तविकता में इसके ऊपर कौन से फोर्स आएंगे, एक तो mg आएगा कितना 20 न्यूटन, और एक n1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा कितना 40 न्यूटन, और एक लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा डाउन द इंक्लाइंड 16 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एक इस रस्सी की वजह से टेंशन फोर्स आएगा कितना 4 न्यूटन। तो 16 प्लस 4 20 कर दूं, 16 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइंड और 4 न्यूटन इस रस्सी की वजह से टेंशन फोर्स इस 2 के जी ब्लॉक पे, तो 16 प्लस 4 20 कर देता हूं मैं यहीं पे। अब देखो यही एक तरह से मैं बोल सकता हूं यही 3 फोर्स आएंगे 20 न्यूटन एमजी n1 नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन और ऐसे 20 न्यूटन, क्योंकि टेंशन कितनी आई थी 4 न्यूटन और लिमिटिंग फ्रिक्शन 16 न्यूटन, तो 16 प्लस 4 20 न्यूटन। अब देखो ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो n1 नॉर्मल रिएक्शन को 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 40 cos 37 कितना आएगा 32 न्यूटन, और 40 sin 37 कितना आएगा 24 न्यूटन, ठीक है। और ये जो डाउन द इंक्लाइंड 20 न्यूटन फोर्स आया है इसको भी 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करो, ये एंगल 37 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया 37 डिग्री, तो 20 cos 37 कितना हो जाएगा 16 न्यूटन, और 20 sin 37 कितना हो जाएगा 12 न्यूटन। तो 20 और 12 32, ये 32 से ये 32 कैंसिल, और 24 और 16 40, तो इसका मतलब 2 के जी ब्लॉक पे नेट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में कितना आया 24 प्लस 16 40 न्यूटन, मतलब 40 आई कैप। इसको क्या लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू मास ऑफ 2 के जी ब्लॉक इनटू मैं एक्सेलरेशन ऑफ 2 के जी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 के जी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम यहां से कितना आ गया 20 आई कैप, और इतना ही आना चाहिए 20 आई कैप 20 आई कैप। तो इस रस्सी में टेंशन आएगी 4 न्यूटन, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं होगी, छलावा होगा। 2 के जी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, 2 के जी ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 16 न्यूटन। तो 2 के जी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है,
न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, अगेन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड में एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है, मान लो ये एक ट्रक है, और ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सलरेट कर रहा है, कितने एक्सलरेशन से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन से एक्सलरेट कर रहा है। और इस ट्रक के अंदर एक टेबल है, टेबल इनसाइड ट्रक, और यहां पे ये क्या है, एक आइडियल पुली कनेक्टेड है। ये कितने केजी का ब्लॉक है, 2 केजी का, और ये 3 केजी का। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड दिस टेबल, ये कितना गिवन है, 0.2। और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड दिस सरफेस, ये कितना गिवन है, 0.4। तो क्या फाइंड आउट करना है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, एक तो ये, और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करो। ये तो क्या है, ट्रक फ्रेम का ऑब्जर्वर, और ये ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर। इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है और दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म। कुछ ऐसे एक्स एक्सिस गिवन है, ऐसे वाई एक्सिस गिवन है, तो वेक्टर फॉर्म में दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इन दोनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, और ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसका मतलब ट्रक क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी बना दो फ्रॉम ट्रक फ्रेम, ये 3 केजी ब्लॉक, ये 2 केजी ब्लॉक, ठीक है। तो 2 केजी ब्लॉक पे सबसे पहले एमजी फोर्स अप्लाई करो 20 न्यूटन, N1 नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन, और एक सुडो फोर्स 2×8 न्यूटन सुडो फोर्स। अब आओ 3 केजी ब्लॉक पे एमजी फोर्स अप्लाई करो 30 न्यूटन, ठीक है, और एक सुडो फोर्स 3×12 न्यूटन। इन दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी या ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, ध्यान रहे ट्रक फ्रेम से सोल्व कर रहा हूं मैं इसको सबसे पहले। तो यहां पे N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस सरफेस ऑन द बॉटम ऑफ 3 केजी ब्लॉक, वो कितना आ जाएगा, 12 न्यूटन, और ये 12 न्यूटन क्या था, सुडो फोर्स। तो यहां पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 0.2×20, तो मतलब 4 न्यूटन। यहां पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 0.4×12, मतलब 4.8 न्यूटन। अब सोचो डायरेक्टली हम फील कर सकते हैं, ये रस्सी सिलेक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लो ये रस्सी ना होती तो 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता, 8 में से 4 गया, 4×4 2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर जाता विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। और मान लो ये रस्सी नहीं होती तो 3 केजी ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, कितने एक्सेलरेशन से, 30 − 4.8 / 3 जो भी आएगा। तो मतलब इस प्रेजेंट केस में ये रस्सी है और ये रस्सी तो स्लैक कर नहीं सकती, तो अब देखो 30 ज्यादा या 8, 30 ज्यादा, और 30 में से 8 गए 22, क्या 22 टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 4 + 4.8, 8.8 न्यूटन।
30 22 30 8 से ज्यादा है और 30 में से 8 गए 22 न्यूटन, तो इस सिस्टम पे ड्राइविंग फोर्स 22 न्यूटन आ गया, और जो कि टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 8.8 न्यूटन से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रैक फ्रेम ऑब्जर्वर सेम होगा, और 30 8 से ज्यादा है, तो 3 के जी ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम, और 2 के जी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ए एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम। तो 2 के जी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। 3 के जी ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 4.8 न्यूटन। तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, इस कंप्लीट सिस्टम के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो फ्रॉम ट्रक फ्रेम, तो नेट फोर्स देखो कितना आएगा, 30 माइनस 8 22, 22 माइनस 4 माइनस 4.8 मतलब 22 माइनस 8.8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 3 प्लस 2 5, तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है 2.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा 2 के जी ब्लॉक इस डायरेक्शन में 2.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, और 3 के जी ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। ऐसा किसको लगेगा, इस ट्रक ऑब्जर्वर को। इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, मान लो टी आई, तो ये टेंशन कैसे फाइंड आउट करें, 2 के जी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो फ्रॉम ट्रक फ्रेम, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा कितना, टी माइनस 8 माइनस 4 मतलब टी माइनस 12 इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन 2.64। तो यहां से टेंशन कितनी आएगी, 17.28 न्यूटन। तो रस्सी में टेंशन 17.28 न्यूटन आएगी, और 2 के जी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में 2.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, 3 के जी ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। तो अब देखो यूजिंग रिलेटिव मोशन मैं क्या बोल सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ 2 के जी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इन वेक्टर फॉर्म कितना आया, 2.64 आई कैप, और रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए इसको क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म कितना, 4 आई कैप। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म ये कितना आया, 6.64 आई कैप। एक तो मुझे ये चाहिए था, और एक मुझे क्या चाहिए है, 3 के जी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म, 3 के जी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इन वेक्टर फॉर्म वो कितना आया, माइनस 2.64 जे कैप। और यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन ऑफ 3 के जी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म जो कि 4 आई कैप होगा। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 3 के जी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आएगा, 4 आई कैप माइनस 2.64 जे कैप। ये तो यूजिंग रिलेटिव मोशन आए हैं, 2 के जी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 6.64 आई कैप, 3 के जी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 4 आई कैप माइनस 2.64 जे कैप। आप इसको ग्राउंड फ्रेम से भी फाइंड आउट कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, और ग्राउंड फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल। मैं सबसे पहले किसके लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैं ये 2 के जी ब्लॉक के लिए, तो 2 के जी ब्लॉक का एफबीडी बना दो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। एक तो एमजी फोर्स आएगा 20 न्यूटन,
और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी 20 न्यूटन, और एक टेंशन फोर्स आएगा कितना 17.28 न्यूटन। बस सूडो फोर्स को हटा दो और एक 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर ये कितना आया, 17.28 माइनस 4 जितना भी आएगा, और ये कितना आएगा 17.28 माइनस 4 13.28। और इस डायरेक्शन में आया ना, मतलब आई कैप इज इक्वल टू मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो इतना ही आ जाएगा, 6.64 आई कैप देख सकते हो, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 6.64 आई कैप ही है। अब मैं 3 kg ब्लॉक के लिए अप्लाई कर रहा हूं डायनेमिक्स, तो 3 kg ब्लॉक पे देखो कौन से फोर्स आएंगे। एक तो एम जी फोर्स आएगा 30 न्यूटन, और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा 12 न्यूटन, और एक काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 4.8 न्यूटन, और एक टेंशन फोर्स आएगा 17.28 न्यूटन। यही तो फोर्स आएंगे फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम या वास्तविकता में। तो यहां से देखो नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम क्या लिख सकता हूं, 12 आई कैप, और देखो 17.28 प्लस 4.8 ये जितना भी आएगा ये 30 न्यूटन से तो कम ही मिलेगा। तो इसका मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा, 30 माइनस 4.8 माइनस 17.28, और ये कितना आता है माइनस मतलब 7.92। तो इसका मतलब -7.92 जे कैप, मतलब 30 में से 4.8 सब्ट्रैक्ट करो और उसमें से फिर 17.28 सब्ट्रैक्ट करो तो वो कितना आएगा 7.92 नीचे की तरफ, क्योंकि 17.28 प्लस 4.8 जितना भी आएगा वो 30 न्यूटन से कम होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना आएगा 3 kg ब्लॉक पे, 7.92 न्यूटन। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा इस 3 kg ब्लॉक पे, 12 आई कैप माइनस 7.92 जे कैप नेट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। इसको क्या लिखूंगा, मास ऑफ 3 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये इतना ही आएगा, 4 आई कैप माइनस 2.64 जे कैप, यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 17.28 न्यूटन। स्ट्रक ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू बात करूं तो स्ट्रक ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 2.64 से एक्सेलरेट कर रहा है, और 3 kg ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2.64 से एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन की बात करूं तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म वो कितना होगा, 6.64 आई कैप। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म वो कितना होगा, 4 आई कैप माइनस 2.64 जे कैप। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। अगेन एक ट्रक है और वो ट्रक क्या है, एक्सेलरेटेड है, ये एक ट्रक है और ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है कितने एक्सेलरेशन से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, ठीक है। और इस ट्रक के अंदर कुछ ऐसा इंक्लाइंड दिया हुआ है, ये इंक्लाइंड और ये
ओरिजेंटल जो सरफेस होता है, और इसकी इंक्लिनेशन, इस रफ इंक्लाइंड की इंक्लिनेशन कितनी की होना है, 37 डिग्री। और यहां पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है, ये कितने केजी का ब्लॉक है, 2 केजी का, और ये 3 केजी का। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ सरफेस ये कितना गिवन है, 0.2। और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड ये कितना गिवन है, 0.6। और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है, यहां पे 3 तो यहां पे 4 और यहां पे 5। तो क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो इस रस्सी में टेंशन, ठीक है, और दोनों ब्लॉक्स का एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। ये क्या है, ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, और ये ट्रक के अंदर एक लड़का खड़ा हुआ आराम से, तो ये क्या हो गया, ट्रक फ्रेम का ऑब्जर्वर। तो मैं दोनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम। और ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है, तो इसका मतलब ट्रक क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसका मतलब यहां पे सूडो फोर्स की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, लगाना अनिवार्य है। अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सूडो फोर्स को लगाना अनिवार्य होता है। ये 3 केजी ब्लॉक और ये 2 केजी, तो एमजी फोर्स 20 न्यूटन, यहां पे सूडो फोर्स 2 दाई 20 न्यूटन, ये क्या सूडो फोर्स। और ये एंगल कितना गिवन है, 37 डिग्री, ठीक है। तो एक तो एमजी फोर्स आएगा 30 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 30 को 37 तो कितना हो जाएगा, 24 न्यूटन, और 30 sin 37 से 18 न्यूटन। और एक इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स 3 दाई 30 न्यूटन, ये क्या है सूडो फोर्स, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, क्या 30 cos 37 और 30 sin 37, 30 cos 37 ये कितना हो जाएगा, 24, और 30 sin 37 18, तो 24 और 18 42, तो एक एन टू नॉर्मल रिएक्शन आएगी 42 न्यूटन, और यहां पे एन वन नॉर्मल रिएक्शन आएगी 20 न्यूटन। तो इस 24 और इस 18 का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ कितना आ गया, 6 न्यूटन, ये आ गया ऊपर की तरफ 6। तो अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक कितनी आएगी, 0.2 × 20 मतलब 4 न्यूटन। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 केजी ब्लॉक यहां पे कितनी आएगी, 42 × 0.6 मतलब 25.2 न्यूटन, ठीक है। अब सोचो ये आप डायरेक्टली फील कर सकते हो कि ये रस्सी स्लैक नहीं होगी, कैसे, मान लो अगर ये रस्सी नहीं होती तो 3 केजी ब्लॉक एट रेस्ट रहता विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, क्योंकि ये 6 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स अप द इंक्लाइंड आ जाता, और जो कि 25.2 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहता विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर अगर ये रस्सी नहीं होती, और 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सलरेट कर जाता अगर ये रस्सी नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, कितने एक्सलरेशन से, 20 − 4 = 16, 16/2 = 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि ये सूडो फोर्स 20 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स का काम करता जो कि 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर ये रस्सी नहीं होती तो 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पर रहता और 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलरेट कर जाता विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम। तो यहां पे क्या साबित होता है, अगर ये रस्सी हो तो ये रस्सी तो स्लैक नहीं हो सकती, तो इसका मतलब अगर ये एक्सलरेट करेंगे तो सेम मैग्नीट्यूड एक्सलरेशन से एक्सलरेट करेंगे, मतलब दोनों क्या एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम सेम होगा, क्योंकि ये रस्सी स्लैक नहीं हो सकती, और वो नहीं क्यों नहीं हो सकती वो पता चल गया।
तो अब देखो इस सिस्टम पे जिसमें 3 केजी और 2 केजी ब्लॉक शामिल हैं, तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आया? 20 और ये 6, 26 न्यूटन आया। और टोटल लिमिटिंग और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन वो कितना आया फॉर दिस सिस्टम? 4 + 25.2, 29.2 न्यूटन। तो ये तो नेट ड्राइविंग फोर्स 26 न्यूटन कम है टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 29.2 न्यूटन से, तो इसका मतलब ये पक्का हो गया ये दोनों ही ब्लॉक एट रेस्ट रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम। तो ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर को ये दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे नजर आएंगे और इस रस्सी में टेंशन भी आएगी पक्का, और वो कितनी आएगी वो फाइंड आउट करते हैं। सोचो अगर ये रस्सी नहीं होती तो 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहता विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, और 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सलरेट कर जाता विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। लेकिन अब ये रस्सी है दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, लेकिन अगर ये रस्सी नहीं होती तो 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलरेट करता विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम। तो इसका मतलब यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना? 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। और इस 2 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 भी होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, और वो कब होगा? जब इस रस्सी में टेंशन कितनी आए? 16 न्यूटन, क्योंकि 4 + 16 तभी तो 20 होगा। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 16 न्यूटन। और इस 3 केजी ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, तो ये 16 और ये 6 ये तो 22 हो गया। तो इसका मतलब 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 22 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और ये दोनों ही ब्लॉक एट रेस्ट रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम। रस्सी में टेंशन 16 न्यूटन आएगी, 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, 3 केजी ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 22 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो एक्सलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक वो क्या होगा? 0। यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको क्या लिखूंगा मैं? इज इक्वल टू एक्सलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सलरेशन ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म, वो क्या आएगा? 10 i कैप। तो इसका मतलब 2 केजी ब्लॉक का एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आ गया? 10 i कैप। तो ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलरेट कर रहा है। ऐसे ही एक्सलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम 0 होगा, क्योंकि दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, और इस रस्सी में टेंशन कितनी रहेगी? 16 न्यूटन। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको क्या लिखूंगा मैं? इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म 10 i कैप। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना आया? 10 i कैप। तो इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि 3 केजी ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट कर रहा है। अब मैं फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम से 2 केजी को ऑब्जर्व करूंगा, और ग्राउंड फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल। तो ग्राउंड फ्रेम से 2 केजी ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, तो एक तो एमजी आएगा 20 न्यूटन, और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी 20 न्यूटन। केवल सूडो फोर्स को हटा दो और एक इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, और एक टेंशन फोर्स आएगी 16 न्यूटन। तो नेट फोर्स देखो इस 2 केजी ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म क्या आया? 16 + 4 20 i कैप आया। इज इक्वल टू मास ऑफ 2 केजी ब्लॉक इनटू मैं एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 10 i कैप ही आया। तो चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो सेम है। तो अब मैं एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम फाइंड आउट करूंगा यूजिंग डायनेमिक्स। तो फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम
ग्राउंड फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल। तो ग्राउंड फ्रेम इनर्शियल फ्रेम से 3 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। ये 3 kg ब्लॉक और ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। तो सबसे पहले तो एम जी फोर्स आएगा 30 न्यूटन। केवल सूडो फोर्स को हटा दो, बाकी सारे फोर्सेस आएंगे। एम जी 30 न्यूटन, वास्तविकता में वही फोर्स आएंगे जो कि ग्राउंड फ्रेम से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं या एफबीडी बनाते हैं किसी ब्लॉक का, तो उस ब्लॉक पे जो वास्तविकता में फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ना, वही दिखाते हैं हम। तो केवल सूडो फोर्स को हटाना होता है। तो एम जी आ गया 30 न्यूटन। और एक एन टू नॉर्मल रिएक्शन, ये कितना आया था? 42 न्यूटन। और एक ऐसे टेंशन फोर्स कितना? 16 न्यूटन। और एक ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना? 22 न्यूटन स्टैटिक। तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से 3 kg ब्लॉक के एफबीडी की बात करूं, तो ये केवल चार ही तो फोर्स आएंगे, एम जी 30 न्यूटन, एन टू नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ इंक्लाइन 42 न्यूटन, और टेंशन 16 न्यूटन, और स्टैटिक फ्रिक्शन 22 न्यूटन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन 22 और ये टेंशन 16, इन दोनों का रिजल्टेंट डाउन द इंक्लाइंड आएगा कितना? 22 - 16, 6 न्यूटन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? डाउन द इंक्लाइंड 6 न्यूटन। अब देखो ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 37। तो ये एंगल 53, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो ये जो एन टू नॉर्मल रिएक्शन है ना, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो। 42 cos 37 कितना हो जाएगा? 42 * 4 / 5, और ये कितना आएगा? और ये आएगा 42 * 4 / 5, 33.6। ठीक है, 42 * 4 / 5, 42 × 84, 84 × 168, 168 / 5, इतना ही आएगा, 33.6। और 42 sin 37 कितना आ जाएगा? 42 * 126 / 5, तो ये आएगा 25.2 न्यूटन। 25 × 5 = 125, हाँ 25.2 न्यूटन। और ये 6 न्यूटन है जो, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। ये एंगल 37, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 37। तो ये क्या हो जाएगा? 6 cos 37। 6 cos 37 कितना होगा? 24/5। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 20, और ये हो जाएगा 4.8। और 6 sin 37 ये कितना हो जाएगा? 18/5, तो ये हो जाएगा 3.6 न्यूटन। तो अब देखो 33.6, 30 + 3, 3.6, 33.6, तो ये 33.6 से ये 33.6 कैंसल। तो इस 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम वो कितना आया? 25.2 + 4.8, तो ये आया 30 न्यूटन, या 30 I कैप, इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन। यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या लिखूंगा मैं? मास ऑफ 3 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना आ गया? 10 I कैप। चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, ये यूजिंग रिलेटिव मोशन फाइंड आउट किया था, ये यूजिंग डायनामिक्स। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 10 I कैप, यहाँ पे यूजिंग रिलेटिव मोशन फाइंड आउट किया था, यहाँ पे यूजिंग डायनामिक्स 10 I कैप। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 16 न्यूटन। और दोनों ही ब्लॉक एट रेस्ट रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, 3 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 22 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और इस रस्सी में टेंशन 16 न्यूटन आएगी। और 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 10 I कैप आएगा, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम भी 10 I कैप आएगा।